के दिनों में रांची में एक दर्जन से ज़्यादा जगहों पर महिलाओं और पुरुषों से सोने के चेन की छिनतई करने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरोह के 3 सदस्यों के साथ पुलिस ने एक सोनार को भी गिरफ्तार किया है। कोतवाली DSP और कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में स्नेचर्स गिरोह के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रांची के पिठौरिया इलाके से रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने 3 स्नेचर्स रांची पुलिस के स्पेशल टीम ने 3 स्नेचर्स सहित 4 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चारों आरोपियों में से एक सुनार भी है जो छिनतई के गहने को खपाने का काम किया करता था। रांची के CT SP राजकुमार मेहता ने बताया कि पूरा गिरोह रांची के पिठौरिया इलाके का रहने वाला है, वहीं से आकर शहर में छिनतई की वारदातों को ये गिरोह अंजाम देता था। गिरफ्तार आरोपियों में पंकज कुमार महतो, दीपक महतो, जफर खान और सोनार आनंद कुमार उर्फ गोल्डी शामिल है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से बाइक और छीनी हुई कई सोने की चेन बरामद की गई है। अपराधियों ने ही पुलिस मुख्यालय के सामने एक आरक्षी से सोने की चेन छीन ली थी। CT SP राजकुमार मेहता ने बताया कि पिछले 3 महीना के दौरान इस गिरोह के द्वारा एक दर्जन छिनतई की वारदातों को अंजाम दिया गया था। उन सभी कांडों का भी खुलासा कर लिया गया है। रांची से दौरान सिन्हा की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत दिनों में राजधानी क्षेत्र में जहां अकेली महिला है या फिर कोई पुरुष है जो खासतौर से संध्या के समय घूम रहे हैं, वैसे लोगों को टारगेट करके एक गिरोह जो है लगातार चिन छिन की घटना अंजाम दे रहा। इस आलोक में वरीय पदाधिकारियों के लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। IG सर और वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से हम लोगों ने एक आदेश पर एक SIT का निर्माण किया था, जिसका नेतृत्व कोतवाली DSP प्रकाश के माध्यम से किया गया। हम लोगों को जस्ट कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चेन छिनते गिरोह का जो है लोकेशन प्राप्त हुआ था। तत्काल हमारी SIT टीम उस पर रश किया है और हम लोगों ने उसे बाद में दिखाते हुए इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे जब पूछताछ की गई तो 15 कांडों का जो है वो उद्भेदन इन्होंने किया है और 15 कांडों का इन लोग संलिप्तता स्वीकार किए हैं। 3 चेन हम लोग को बरामद हुए हैं, 3 अभी पकड़े गए हैं और 1 जो चेन खरीदारी करते थे उनकी गिरफ्तारी। कुल मिलाकर के सभी थानेदारों को लगातार इस पर मॉनिटर करने के लिए और इन पर लगातार कार्रवाई करने का निर्देश रांची पुलिस के द्वारा किया गया और भी जो लोग बचे हुए हैं उन पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश रांची पुलिस के द्वारा इन सभी को दिया गया।